इस्लामिक टीवी चैनल के जरिए आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। और जैसे ही हमारी यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल साल गुज़िश्ता हमने जैसे आपको तमाम की दुआओं के नतीजे में हमने गुज़िश्ता साल जिस तरह तबरुकात और आशुखानों की तफसीलात आपके रूबरू पेश की, और यहाँ पे जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद दखन के जितने अंजुमने हों, नवा खां, वसिया खान, ये तमाम हजरात जो सफ़े अज़ा में खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी तफसीलात भी आपके रूबरू पेश की। यही हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मेरी सादत अली खान, खादिम सैयद फैयाज़ हुसैन, तमाम टीम हमारी यही कोशिश करती है कि हम माह अज़ा के सिलसिले में जो भी हजरात खिदमत अंजाम देते हैं ये इसकी तफसीलात आपके रूबरू पेश करें। क्योंकि ये इस वक्त जो मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ ये है अंजुमन परवान जाफरिया, इसके एक्टिव सदर है जनाब मीर हैदर अली साहब। मैं इनका हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए आपके रूबरू इस अंजुमन की तफसीलात पेश करूँगा। आपका यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल में इमाम मदद, आप बताइए कि सलाम अलैकुम, आप ये बताइए कि आप हमारे नाज़रीन और सामईन को अंजुमन परवान जाफरिया का क़याम कब अमल में आया और इसकी तफसीलात क्या है, और अब इस वक्त जो एक्टिव सदर हैं आप तो मसरूफियात कैसी रहती है अय्याम अज़ामे और मखसूस मातम और मजलिसों जश्न जो हैं, वो तमाम तफसीलात आप नाज़रीन और सामईन की खिदमत में पेश करें। वालेकुम सलाम, और बहुत मशकूर हूँ मैं आप तमाम का, तमाम टीम का, यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल का, जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम अपनी तारीख को आपके सामने पेश करें। अंजुमन परवान जाफरिया का इनेकाद 1955 में अमल में आया, और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट मेरे ताया मीर अहमद अली थे, और मेरे वालिद मीर असकर अली इसके फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे, और वो नोहा खान भी थे। तो
तो शुरू ही से अंजुमन परवान जाफरिया का बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन था कि वो अंजुमन को बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़े से चलाने की कोशिश करते थे, जिसमें से अहम तरीन उनसर यह था कि वो अज़ाए हुसैन में जब वो हिस्सेदारी लेते थे तो नज़र के उनवान से किसी भी नज़र को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनका यह नज़रिया था कि आगे चल के नज़र उजरत की शक्ल अख्तियार कर लेगी, तो वो लोग कभी भी इसको तवज्जो नहीं दी और हमको ख़ास तौर से उस पर जोर देते थे कि नज़र नहीं, नज़र अज़ाए हुसैन में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये एक था। और जैसा कि अय्यूब अली साहब परवान जाफरिया के अहम तरीन लोगों में से थे, जो शुरू के जो अहम तरीन लोग थे, जिनमें से जैसा कि मैंने आपको बताया मीर अहमद अली, मीर असकर अली और मीर अय्यूब अली साहब जो अलमारूफ नारे हैदरी हैं, और असगर अली नोह खान, ये चार अहम नाम आते हैं जब परवान जाफरिया के हम पहले फेस की बात करेंगे। और मेरे वालिद नोह खानी करते थे, और उसके बाद असगर भाई यानी कि असगर अली साहब ने जब नोह खानी शुरू की तो उनकी नोह खानी आलमोस्ट 5 दहों पर मुश्तमिल रही, और वो तकरीबन आधी सदी तक उनकी आवाज़ फैलती गई, और उनके बहुत पढ़े हुए नोहे आज भी दक्कनी आज़ादारी का एक अटूट हिस्सा है। उसके बाद जब दूसरा जनरेशन थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसमें अहम तरीन नामों में आगा सैयद अब्दुल्ला मुसवी, अकबर आगा आते हैं, या हमारे तमाम चचा हैं जैसा कि मीर हुसैन अली हैं, मीर ज़ुल्फ़िकार अली हैं, मीर मेहदी अली, मीर ज़ामिन अली, या आगा सैयद अहमद अली शुस्त्री, या शाहिद भाई, आगा सैयद ईसा और आगा सैयद असगर अली शुस्त्री, अब्बास भाई या अब्बास नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तमाम अराकिन बहुत ही आज़ादारी में अपने आप को मुनहमिक रखते थे, और इन्होंने आज़ादारी की बहुत खिदमत की है। माशाल्लाह। तो कितने बरस अब इस वक्त 65 बरस के? आलमोस्ट 67 ईयर्स अंजुमन को शुरू हो किया, उसका इनेखाद अमल में आकर हो चुके हैं, और आज भी अंजुमन अपना काम कर रही है, बहुत सारे मातम है। मखसूस प्रोग्राम, मतलब जैसे हर अंजुमन की एक मखसूस मजलिस और जश्न होता है, तो आपके कुछ मखसूस मजलिस और जश्न है? 18 सफ़र के दिन हमारा मरकज़ी मजलिस, जिसे आप कहेंगे या ग्रोह की मजलिस, 18 सफ़र के दिन मस्जिद गुलशन में होती है, और 16 रजब के दिन ग्रोह की जानिब से एक जश्न बमकान मौलवी मीर जमाल अली साहब इनेखाद अमल में आता है। तो ये दो अहम तरीन प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा अंजुमन परवान जाफरिया मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ किताबों का इशात करती हैं, जिसमें से बहुत सारी हमारी किताबें रही, जिस तरह से दुआए कुमेल हैं, ज़ियारत नाहिया हैं, और दुआए अरफा हैं, और तमाम और नौजात की किताबें हैं। इसको तर्जुमे के साथ हमने सोसाइटी में एक पेश करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। जैसे आपने कहा कि एक्टिव आप सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो इसके दीगर अराकीन कुछ अगर आप बता सकते हैं? मेरे जो चचा है मीर अहमद अली, वो सॉरी मीर मेहदी अली, इस वक्त हमारे सरपरस्त आला हैं और हमारे सदर हैं, और उनके अलावा मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, और जैसा कि आप जनरल सेक्रेटरी हमारे ज़की भाई जो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं मीर अहमद अली, उनके साहबजादे हैं ज़की, मीर गज़म्फर अली ज़की जो SIBN के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके भी काफ़ी फ़ाल शख्सियत हैं, बहुत सारे उनके सोशल वर्क हैं सऊदी अरब में, वो सरपरस्त हैं, मीर ज़ामिन अली सरपरस्त हैं, और मीर यावर अली जो इस वक्त अमेरिका में मुखीम हैं, वो सरपरस्त हैं इस वक्त हमारे। और उसके अलावा नायब सदूर में मेरे भाई हैं जो मीर अलमदार अली दुबई में इस वक्त मुखीम हैं, उसके अलावा अलमदार मुसवी अल्लू जो हमारे अकबर आगा साहब के फ़र्जंद हैं जो सऊदी अरबिया में रहते हैं, वो भी नायब सदर हैं, और आगा सैयद नेमतुल्लाह शुस्त्री वो हमारे नायब सदर हैं। जनरल सेक्रेटरी मीर मुख्तार अली हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी में मीर तहसीन अली असगर और हसन आगा सज्जो आगा जो है वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और शायर सरकार वफा अलमदार साहिल हमारे सदर नोह खान इस वक्त हैं। इसके खाजिन कौन हैं, ट्रेजरर? खाजिन इसके मीर बाखर अली और मिर्ज़ा हुसैन अली ख़ान, ये दो लोग हैं जो ट्रेजरर हैं हमारे अंजुमन के। ये तमाम तफसीलात इतनी
और अय्याम आज़ा का आपने बताया कि मखसूस मंजिल 18 माह सफ़र को थी जी चहल मशहूर है करबला के सिलसिले में वो मकान जमाल साहब जी बाजार खान इस्तकबाल जो संदर मुबारक का होता है 16 माह रजब को वो भी वहीं पर होता है जी बिल्कुल। तो ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था नाज़रीन समय, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अगर किसी आशुखाने की या तबरुक की आपके पास इत्तिलात है तो हमारे यमशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम लें, मिर्ज़ा से रब्त अदा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह अगर कोई कदीम किसी भी सिलसिले में तबरुकात हैं तो ज़रूर रब्त अदा करें। पर बारहा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम हम नश करें उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी रहे तो खादिम माज़रत चाहता है। इसी के साथ आपका खादिम से रुख्सत होता है, खुदा हाफिज़ के नाम हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा।